पठान 2 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है और भाई अब तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि साउथ से आ रहे हैं कमल हसन और नॉर्थ से आ रहे हैं शाहरुख खान। साउथ और नॉर्थ की ये टक्कर देखने लायक होगी क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने इस चीज का कंफर्मेशन दे दिया है कि शाहरुख खान के साथ एक विलन टकराने वाला है जिसका नाम है कमल हसन। और इस जोड़ी को देखने के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ी कलेक्शन हो सकती है और शाहरुख खान के साथ कमल हसन का मुकाबला होगा। इसका मतलब सीधा है कि भाई अब बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो कलेक्शन पठान 2 कर सकती है उसका कोई भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा, इंडिया हो या फिर ओवरसीज। शाहरुख खान का डंका हर कहीं बजता है, ये एक ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनको कोई भी हरा नहीं सकता। शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह है, पठान से कमाए 1000 करोड़, जवान से कमाए 1200 करोड़। अब लगता है कि पठान 2 से जवान और पठान दोनों का रिकॉर्ड टूट सकता है। शाहरुख खान के साथ कमल हसन आने वाले हैं तो भाई इसके अंदर जो टक्कर होगी वो देखने लायक होगी क्योंकि कमल हसन को विलन का रोल दिया गया है। शाहरुख खान के साथ कमल हसन की ये जो जोड़ी है ये भाई मेरी ड्रीम जोड़ी है और इसको देखने के लिए ऑडियंस भी काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पठान 2 की शूटिंग को शुरू किया जाने वाला है लेकिन अभी तक जो डायरेक्टर है वो कन्फर्म नहीं हुआ है। कोई बोल रहा है कि भाई इसको सिद्धार्थ आनंद बना सकते हैं, कोई बोल रहा है कि भाई इसको लोकेश कनगराज बनाने वाले हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको बताता चलूं कि इस चीज के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि पठान 2 को कौन बनाएगा। लेकिन ये चीजें काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है कि इस मूवी को बनाने के लिए किसी साउथ के डायरेक्टर को हायर किया जाएगा क्योंकि भाई YRF की हमेशा से यही कोशिश होती है कि कोई ऐसा डायरेक्टर आए जो कि न्यू स्टोरी को डिजाइन करे, जो कि न्यू एक्शंस बनाए। और साउथ के डायरेक्टर्स जिस लिहाज का एक्शन बनाते हैं उनका मुकाबला करने का पावर किसी में नहीं है। साथ में अगर कमल हसन है जो कि विलन बनेंगे और भाई शाहरुख खान है बादशाह है तो जरा सोचो, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। शाहरुख खान के लिए कोई ऐसा साउथ का डायरेक्टर सेलेक्ट किया जाएगा जो कि एक्शन के मामले में तमाम रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा के रख दे, जो कि पठान 1 से कहीं ज्यादा खतरनाक एक्शन और खतरनाक कहानी को रिप्रेजेंट करने का पावर रखता हो। और ऐसा डायरेक्टर डेफिनेटली या तो लोकेश कनगराज हो सकता है या फिर डायरेक्टर एटली कुमार हो सकते हैं। अब इनके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि भाई अगर ये दोनों डायरेक्टर्स में से किसी एक डायरेक्टर को सेलेक्ट किया गया तो पठान 2 को 4 चांद लगाने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या कहना है भाई, कमल हसन और शाहरुख खान, कमल हसन विलन बनेंगे शाहरुख खान हीरो बनेंगे तो भाई कितना ज्यादा बवाल मचेगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट लाजमी करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।